कलेक्टर वर्कशॉप सभी जिम्मेदार भाइयों ने राम राम भाई। आज हम आए हैं करनाल में। ये ट्रैक्टर है स्पेशल एडिशन जो हम आपको ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। इस ट्रैक्टर में बिल्कुल नया ट्रैक्टर है भाई। ये बहुत थोड़े घंटे चला है, बिल्कुल ये न्यू माले लगभग। मीटर भी दिखाया था आपने। ये इतने घंटे चले कुल। तो ट्रैक्टर में प्रॉब्लम क्या आई भाई? जिम्मेदार की कमी से इसमें प्रॉब्लम आई है। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी भी भाई ने आज के हैं, हम इसकी वीडियो इसलिए जरूरी है बनानी, लेकिन मैं बनाऊ नहीं था, लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सके है। क्योंकि छोटी ही गलती के कारण आदमी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, बेमतलब जो पैसे लग गए उसमें बंदे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। ये थोड़ी ही गलती के कारण दिक्कत हो रही है और ये इस चीज़ का जिम्मेदार भाइयों ने बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई, ये नहीं है कि वो क्लच प्लेट तो हम डेली खोल रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं होती वो क्लच प्लेट की। तो ये खाम खा के इबनू मान लो इसमें सेल मिल भी पढ़ने लग गई, सारा काम हो गया तो करीब नो मान लो आप 14,000 के करीब ये पूरी की पूरी इसने लेबर लग के पूरी 14,000 रुपये में ये चेंज होगी। लगभग 14,000 रुपये लग जाएंगे लेबर सुधा बंदे के। तो 14,000 रुपये लग गए बेमतलब के एंड है और इसका कोई काम नहीं। बिल्कुल नया ट्रैक्टर है बिल्कुल, क्योंकि ये क्लच प्लेट ना तो घस रही ना कोई समस्या है, ये बेमतलब क्लच प्लेट बेमतलब इसमें प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी, किस कारण होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे तो भाई लग जाओ कितने लग जाओ, लेकिन बेमतलब के बंदे को लगे इसमें बहुत दिक्कत हो जाए। तो ये आपने दिखा दूं मैं, ये नट है इसके, या मैंने नट लगाया था इसमें, थोड़ा पेट्रोल डाला था और डीजल इसमें धो गए साफ कर दिए, मगर निकल जाएगा, लेकिन निकल नहीं पाया भाई ट्रैक्टर में और खाम खा की दिक्कत होगी। ये देखो ये सराख था, यहाँ ये सराख रहा छेद, इसमें ये गुटका ठुका हुआ है, ये गुटका रहा। तो इसमें से गुटका निकल गया था, इसमें को टंकी यहाँ टंकी लगाई थी ट्रैक्टर के यहाँ से और यहाँ तक टंकी लगाई थी, और ये छेद लापरवाही के अंदर ये खुला रह गया। खुला रहने के कारण इसमें पानी अंदर इसमें पानी घुस गया। तो पानी घुस गया तो जब ट्रैक्टर धोया ना पाइप के साथ, यहां से पानी घुस गया। पानी घुसने के बाद इसके अंदर पानी चला गया और अब क्लच प्लेट इसकी बिल्कुल काम नहीं कर रही, गियर लगा हुआ आगे पीछे ये हो नहीं रहा। तो इसमें ये प्रॉब्लम होगी ट्रैक्टर में। तो तब भी अपना ट्रैक्टर दो घर, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि ये जरूरी ध्यान रखना है। क्योंकि मान लो आप करीब 14,000 के करीब बंदे का लगे तो ये बेमतलब के पैसे लगे हैं, तो इसमें दिक्कत बाजी हो मेरे भाई, इसमें ध्यान रखो। यहाँ से ही छेद में से पानी जब पाइप के साथ धोया तो यहाँ से पानी बढ़ गया, पानी बढ़ने के कारण क्लच ने काम छोड़ दिया, और जब क्लच खुलेगी तो तब भी दिखाऊंगा इसका क्या हाल होगा भीतर से। तो ये खाम खा की दिक्कत हो जाए, बेमतलब के भाई पैसे लगे। तो इस करके जिम्मेदार भाई देखो, इसकी राड बिल्कुल ठीक है, क्लच प्लेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये दिक्कत होगी। तो ये ट्रैक्टर खुलने के बाद मैं फिर दिखाऊंगा मैं अपने जो इसमें दिक्कत है अंदर से और ये प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ का जिम्मेदार भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने सराख है जैसे छेद है इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि धुंधी आना लापरवाही मत करो, लापरवाही के कारण ये दिक्कत हो है। तो ये देखो भाई क्लच का मैंने नीचे से नट खोल दिया ट्रैक्टर का, ये पानी निकलने लग रहा है। देखो ये बिल्कुल इसके अंदर है ना, ये देखो पानी भर रखे, ये धोया ना इस सराख के अंदर तो इसमें बढ़ गया और इसके अंदर तो देखे लिकड़ने लग रहे हैं। तो तरला क्लच वाला ये नट खोल दिया ना, इसके अंदर तो ठाडा हो जाएंगे पानी का भर गया। टूल इस पहला हाँ, इसका टंकी लग रही थी, अरे टंकी ये में प्रॉब्लम हो गई तेल की, तो ये लिकड़ा इस नट में, वो देखो इसमें वो ठाडा भर रखे है, बेमतलब की लापरवाही कर दी तो ये दिक्कत होगी। देखो भैया खोल दी भैया, इसमें पानी बढ़ रहा है, देखो पाथले का ना ये पानी बढ़ रहा है, पानी खड़े ये दिख रहा है ना पानी कलच के भीतर, ये वो भी बढ़ गया इस नट में वो जो गया था ना, ये नट था ये सराख आर पार है, देखो ये आर पार सराख है, इसकी मैं गुजार रहा था
बिल्कुल इसकी अंदर का बढ़ गया भाई, वो अंदर का पूरे का पूरा रहा था। अरे ये कलच प्लेट बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है, चिप गई। इसने खोल लेंगे, खोल के चेक करेंगे। नहीं सही था भाई, बेमतलब का प्रोग्राम बिठा दिया भाई, इसका कोई काम नहीं था, ना कलच का शरीर ना कुछ था। या लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है, डायरेक्ट पानी बढ़ गया इसमें, डायरेक्ट पूरा सराख हो गई, सराख के अंदर था डायरेक्ट बढ़ गया। तो इस चीज का टंकी लुवाई थी, इसमें टंकी लुवाने के कारण ये दिक्कत होगी, तो इस चीज का जिम्मेदार भाई बहुत ध्यान रखिए। वैसे तो वीडियो आपने देखी होंगी ट्रैक्टर ट्रूक्टर पर चलते हुए, लेकिन इस चीज की हमने ये स्पेशल बनाई है, क्योंकि किसी के साथ भी ये हादसा हो चुका है। इस चीज का भाई कर दिया प्रोग्राम, इसका सेट कर दिया, करने के बाद में गुटका डाल दिया यहाँ से और नट नहीं पाया, तो ये मैंने सुराख बंद कर दिया, बिल्कुल ये बंद हो गया। अंदर से भी इसके ट्यूब लगा दी, कोई पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल बंद हो गया है। बंद होने के बाद में ये ओके कर दिया, ग्रीस ग्रास ओके हो गया, सफाई होगी तो ये अभी इसने जोड़ देंगे। उलर पलर इसके पूरी सेटिंग कर दी पूरी, हमने आगो आना मोड़ ला दी ताकि पानी ना बढ़ा, इसने जोड़ देंगे ट्रैक्टर में, तो फिट कर दिया भाई, ओके हो गया, रेडी कर दिया, कलच में पले पले सारा काम कर दिया, ट्रैक्टर ओके हो गया, रेडी कर दिया, भेड़ बाड़ गए, ये ओके हो गया सारा काम। तो थोड़ी ही दिक्कत में खाम खां की परेशानी होगी, तो कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं गला, खाली इसमें पेट्रोल में धो गए बिल्कुल साफ करके, ओके होगी प्लस प्लेट भी रेडी हो गया, ओके कर दिया है, प्लस प्लेट रेडी, थोड़ी सेटिंग करी है, ट्रैक्टर की सेटिंग करी है, प्लस प्लेट दम कम थोड़ा आर्म देखें इसकी सेटिंग करी है, और प्लस की रेडी हो ट्रैक्टर की सारी रेडी करी है, दम कम देखेंगे ट्रैक्टर में। लापरवाही के कारण कितना बड़ा समस्या होगी, तो पूरी की पूरी लकड़ी रेडी हो गया ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर था जो देखा भाई, महिला ट्रैक्टर वर्कशॉप से भी जिम्मेदार।